बहुत से लीक्स के बाद गूगल ने फाइनली ऑफिशियली पिक्सल 4 का रियर इमेज ट्वीट कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि पीछे की ओर दो कैमरा है और एक सेंसर दिया है। इस डिज़ाइन से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिक्सल 4 के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। ये फ़ोन अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। हाल ही में गूगल ने अपने सर्च इंजन में ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर ऐड कर दिया है, जिससे कि आप लाइफ साइज 3D इमेजेस कुछ एनिमल्स के क्लोजअप से देख सकते हो। इसे यूज़ करने के लिए आपको गूगल पे कोई भी एनिमल को सर्च करना होगा, जैसे कि इस केस में मैंने शार्क को सर्च किया है। सर्च रिजल्ट में अगर आपको व्यू इन 3D का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे 3D में व्यू भी कर सकते हो और अपने स्पेस पे भी व्यू कर सकते हो। हालांकि ये फीचर गिने चिने हाई एंड फोन्स के लिए ही बना है। पिछले हफ्ते ओप्पो ने अपने A5s के 2GB और 3GB वेरिएंट का प्राइस ड्रॉप किया था, और इस हफ्ते कंपनी ने एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है A5s का, जिसमें 4GB रैम है और 64GB रोम है। ये आपको ऑफलाइन में आसानी से मिल जाएगा। बहुत जल्द वीवो Z1 Pro, जो कि एक गेमिंग फ़ोन है, लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल पेज पे वीवो Z1 Pro की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक ये फ़ोन में स्नैपड्रैगन का 712 का सिस्टम ऑन चिप दिया हुआ है और 5000 mAh की दमदार बैटरी है। उसके अलावा इसमें गेम मोड 18 वाट्स फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। रेड मैजिक 3 दुनिया का पहला गेमिंग स्मार्टफोन है जिसमें बिल्ट इन कूलिंग फैन दिया हुआ है। द डिवाइस इज पावर्ड विद द कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 सिस्टम ऑन चिप, और इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक 12GB रैम विद 256GB इंटरनल मेमोरी और दूसरा 8GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी। और इसका रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और इसकी शुरुआती कीमत 35,990 की है। पॉपुलर ऐप ट्रूकॉलर ने एंड्रॉयड के लिए अपना वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉलिंग फीचर अनाउंस कर दिया है। धीरे धीरे ये सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस फीचर से आप फ्री हाई क्वालिटी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल्स कर सकते हो ओवर दी वाईफाई और दी मोबाइल डेटा टू दी कॉन्टैक्ट्स ऑन दी सेम प्लेटफॉर्म। फेसबुक ने कैलिब्रा नाम की डिजिटल वॉलेट सर्विस को अनाउंस कर दिया। कैलिब्रा लिब्रा ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क का एक हिस्सा है। फेसबुक धीरे धीरे कैलिब्रा को अपने सारे ऐप्स में यूज़ करना चालू कर देगा फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। इंडिया में ये सर्विस लॉन्च होगी या नहीं, इस पे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करना इंडिया में बैन है।